सो वेलकम बैक टू फ्री एरा चैनल पे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है एमीवे बंटाई के बारे में। तो एमीवे बंटा एक लाइव शो के दौरान अप्रिसिएट किया एमसी स्टैन को बिग बॉस जीतने पर। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि एमीवे बंटाई ने क्या कुछ कहा यहाँ पर। और बाकी बिग बॉस देख रहे हैं, मेरा भाई स्टैन के लिए बहुत पुणे का नाम रोशन किया, एमसी स्टैन के लिए आवाज करो। क्या उस बंदे को क्या अभी सिर्फ प्यार ही प्यार है हमेशा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं एलविश यादव जोगिंदर के बारे में। तो अभी रिसेंट टाइम से एलविश यादव जोगिंदर के बीच में जो भी चीजें चल रही थी उसको लेकर के मिलने का प्लान हुआ था हरियाणवी क्रिएटर अवार्ड के अंदर में। और जब वो आपस में दोनों मिले तो वहाँ पर भीड़ लगना स्टार्ट हो गई और उसको देखकर पुलिस को ये लगा कि शायद वहाँ पर लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। तो वहाँ पर भीड़ को हटाने के लिए जोगिंदर को इवेंट से बाहर निकाल दिया और जोगिंदर कहना ये था कि एलविश यादव उनसे डर गए वो भाग गए वहाँ पर। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं UK07 राइटर के बारे में। तो UK07 राइटर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड किए जहाँ पर लगे साइबर 2 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो साइबर 2 का जो म्यूजिक था वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, देन इसके बाद में भी शूट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि साइबर 2 हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो आप में से कौन कौन फैन हो UK07 राइडर के, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड उनके साइबर 2 के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर अपनी वीडियो के नीचे कमेंट दिखाए। तो इस कमेंट के अंदर में उनको काफी अब्यूज किया गया, साथ ही लिखा कि अगर वो नेपाल में आएगा तो उनके साथ में सही नहीं होगा, जिसके ऊपर मुनावर फारूकी ने रिप्लाई किए स्पेलिंग गलत है ब्रो तुम्हारी। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना अपने इंस्टाग्राम पे एक रील वीडियो अपलोड किए थे, इसके ऊपर में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनको। तो यहाँ पर बताया कि इस रील के ऊपर में उनको बहुत तेजी से लाइक मिले हैं, 1 घंटे में 1,60,000 लाइक मिले उनको। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं मुकेश अंबानी के बारे में। तो मुकेश अंबानी जी गए हुए थे सोमनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए और वहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट को दान किए 1.5 करोड़ रुपीज। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में। तो रितेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करके उनको शादी का कार्ड दिया अपने। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही है, मिलता आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तब तक के लिए बाय।